हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अनबॉक्सिंग करके जो ये मेरे पास ब्रूस्टो का मैंने नया पैकेट मंगवाया है। आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। तो ये नया पैकेट है तो इसको अनबॉक्स करो, और अनबॉक्स करने के बाद इस पर मैं जो नई ड्राइंग बनाने वाला हूँ उसकी ग्रिड्स भी बनाना है, ठीक है? तो दोनों कंबाइन वीडियो हो रही है ये, क्योंकि दोनों ब्रूस्टो के पेपर पर ही है तो रिलेटेड दोनों इक्वली। तो ये रहा ब्रूस्टो का पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। एंड मैं आपको इसकी कुछ अच्छी बातें बता दूँ क्या क्या अच्छा है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले देखें हम तो 40+10 शीट्स मिलती है एंड 50 शीट्स मिलती है टोटल। 25% फ्री है, यानी कि जो है 10% एक्स्ट्रा, 10 पेजेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसकी अगर हमें देखूँ तो 400 रुपये का पड़ा एक ये पैकेट। तो पैकेट में 50 शीट्स आती है तो 8 रुपये पर शीट होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो 5 से 15 तक ही होता है पेपर की। और ये इटली में बना है, अगर मैं आपको बताऊँ, मेड इन इटली। और एक और अच्छी बात है कि ये एसिड फ्री है। एसिड फ्री होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, बहुत समय तक ये चलेगा पेपर। 200 GSM है। GSM मतलब आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे दूँ, GSM ऐसा होता है कि आपका जो भी पेपर होता है वो जिस टेक्सचर से बना होता है उसकी जो मोटाई होती है साइड की, देखिए ये जो मोटाई है ये आपको ज़्यादा दिख रही होगी 50 शीट के हिसाब से, तो ये इसकी मोटाई है 200 GSM, मतलब ग्राम्स के ऊपर दिया गया है पर मीटर। और इसमें आप कलर्ड और वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो ग्रेफाइट पेस्टल्स के लिए, यानी कि मोस्टली जो है आप कोई भी जो ड्राई चीज़ें होती है वो यूज़ कर सकते हो, वेट नहीं यूज़ करनी है। इस पर आप वाटर कलर मत करना, नहीं अच्छा लगेगा, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। और सारी वेट चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। क्रिएटिव हैंड्स का है, कोई ज़्यादा नहीं है, हैवी वेट है बट मीडियम सरफेस है, रफ नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है। चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर बता देता हूँ। तो इसके एक एक दो शीट्स निकालते हैं। देखिए अगर आप देखें तो इतना मोटा होगा इसका एक शीट, तो ये कुछ इतना मोटा है आप देख सकते हो। और टेक्सचर मैं आपको बता दूँ तो टेक्सचर इसका रफ़ है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोटा पेपर है, रफ़ टेक्सचर, एक तरफ रफ है एक तरफ थोड़ा उससे स्मूथ है। तो लेंथ वेंथ सब कुछ परफेक्ट दी गई है इस पेपर में। तो इस तरह कुछ पेपर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा ये पेपर। और इस पर मैं ट्राई करने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट ड्राइंग ट्राई करेंगे, ग्रिड बनाऊंगा मैं, वीडियो शूट नहीं करूंगा बट ग्रिड कैसे बनानी वो बताता हूँ मैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से। ये रही ग्रिड ड्राइंग ऐप जो कि आप देख सकते हो, मैं रुको नोट करके बता जो आपको दिख रही है, ये आप ले सकते हो। इस ऐप को ओपन करना है हमें, तो ओपन होती है आपकी, तो वो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ओपन करूँगा मैं सिंपली, फाइल्स में जाऊँगा, फाइल्स में आपको पता होना चाहिए आपके कहाँ है जो फ़ोटो है वो, तो वो मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ कौन सा फ़ोटोग्राफ है मेरा जो कि मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। गैलरी में होगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये रहा मेरा फ़ोटोग्राफ, तो मैं ये ले लूँगा। इसको आपको क्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि A4 में आपका परफेक्ट जो आया साइज़ वो ले लेना, मैंने A4 में कट करके रखा है। क्रॉप पे क्लिक करोगे आपका फ़ोटो हो गया रेडी। ग्रेड्स आपको बता दी गई है, सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको जो पर होता है वो कितना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर मैंने रखा है, 20 mm यानी कि हो गया वो, तो इस हिसाब से रखा है। यानी कि गाइस अब जो मुझे बॉक्स बनाना होगा वो पर जो होगा बॉक्स वो 2x2 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए बनाते हैं अभी, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइंस नहीं बनानी, मैं आपको बता क्या करना है। देखिए मैंने बड़ी स्केल ली है, पेंसिल मेरे पास सबसे जो लाइट थी 5H वो ली है, और लाइट ही लेना, मैंने बिल्कुल लाइट ली थी लास्ट टाइम फिर भी मेरा ड्राइंग ख़राब हो गया था। 2 सेंटीमीटर पर सेल लेना है, हर 2 सेंटीमीटर में हम मार्क देंगे। और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा तो यहाँ से मैं कट करके बताऊँगा।
ये जो सेम थिंग है यही हमें जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे और जो है पेपर के यहाँ पे एंड में करना है। जैसे कि अब मैंने ग्रिड तो बना ली ठीक है, मतलब उसकी जो मार्किंग थी वो कर दी है, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है एक मेन और सबसे बड़ा प्रिकॉशन कि देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कई बार क्या होता है गाइस कि अगर आप ऐसे बनाते हो ग्रिड तो कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी परफेक्ट 2x2 का सेल होता है और यहाँ पे भी 2x2 का होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई कोई में अगर आपने खुद कटिंग किया है तो होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया A4 में ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट सेल जो है ये आपका कंप्लीट सेल होगा 2x2 का, जरूरी नहीं है ये वाला आपका परफेक्ट ही सेल होगा ठीक है, मेरा ऐसे कुछ सेल आएगा थोड़ा अगर मैं मार्किंग के हिसाब से देखूँ तो। और ये सेल भी इतना परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्किंग के हिसाब से है, तो ये सेल सिर्फ आपको परफेक्ट रखना है। इधर से अगर आप जाए नीचे तो ऐसे करते करते यहाँ पे आना है। मार्किंग कैसे करनी है जैसे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ऐसे मार्किंग कीजिए, उसके बाद ऐसे मार्किंग कीजिए। इससे क्या होगा आपका फर्स्ट सेल रेडी हो गया है और उसकी लाइन में तो होगा ही परफेक्ट सेल। अब उतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे इधर से लेना है, ऐसा नहीं करना है कि ऐसे उल्टा करके आपने ले लिया, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ऊपर के हिसाब से आपने जैसे किया है यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे करना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जगह बच रही है ठीक है, इतनी जो है जगह बच रही है तो इतनी जगह को बचा के रखना है। वहाँ पे भी ग्रिड बनेगी लेकिन थोड़ी छोटा होगा ग्रिड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी उस तरह से ही लेना है जिसे मैंने बताया था ठीक है। यानी कि मेन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सेल छोटा होगा और ये सेल हमेशा परफेक्ट रखना है अगर आपको परफेक्ट ग्रिड चाहिए तो। तो अब मैं इसको लाइनिंग में कन्वर्ट करके मैच कर लूँगा और फिर आपको बताता हूँ। तो कैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ग्रिड बना ली, आपको कम दिख रही होगी शायद से, बट देखिए ग्रिड बन चुकी है ठीक है। अब इसको आपको ऐसे बनाना है कि ये लाइट ही रखना है इसको। अब ग्रिड पे जब भी मुझे बनाना है स्केच का आउटलाइन तो मैं बना पाऊंगा इजीली, तो बस आउटलाइन बनाएंगे अब। तो ध्यान रखना है कि धीरे से बनाओ, 2 घंटे लगेंगे चल जाएगा बट ड्राइंग परफेक्ट बनना चाहिए। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंबाइंड वीडियो थी दोस्तों, ड्राइंग पेपर की भी थी, देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो अगर गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है यार तो सपोर्ट कर लो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना है तो करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करो क्योंकि आपके ऊपर है। आप यार आपको पसंद आया वीडियो नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो। एक एक साइड इसका रफ है एक साइड इसका स्मूथ है, मैं रफ वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।